good morning to all of you. This is our EPS class and we are doing chapter 4 shift. In the previous class we had already done a half of this chapter in which we study about what is a shelter and how many types of shelter are there, that is temporary houses or permanent houses. Temporary houses kaun kaun se hote hain, jo man made houses hote hain. The previous chapter we had done about the houses are of two types, man made or temporary. That is kachcha houses. Permanent houses. That is pakka houses. Okay, class. So today we are going to do the next part of this chapter. That is a clean house. How can we make our house neat and clean? The houses we live in are our homes. जिस घरों में हम रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, दैट कॉल्ड आर होम्स. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स, थीव्स, हीट, कोल्ड एंड रेन. वो हमें किस किस चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है हमारा हाउस? हमें थीव्स से प्रोटेक्ट करता है. थीव्स मीन्स चोरों से एंड हीट. हीट हमें गर्मी से, समर्स में हमें हीट से प्रोटेक्ट करता है, विंटर्स में हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, रेनी सीजन में हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनिमल्स. जो हमारे हाउसेज होते हैं वो हमें इतनी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं. वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर होम्स एंड कीप इट क्लीन. तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर होम्स. हमें अपने घरों का अच्छे से उसको क्लीन रखना चाहिए, उसकी टेक केयर करनी चाहिए. इट शुड बी केप्ट फ्री ऑफ डस्ट, पेस्ट एंड गार्बेज. हमें अपने घरों को फ्री ऑफ डस्ट रखना चाहिए, कहीं भी धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए. फ्री ऑफ पेस्ट. व्हाट आर पेस्ट? मीनिंग ऑफ पेस्ट इज इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स दैट आर हार्मफुल. पेस्ट मीन्स स्मॉल इंसेक्ट्स जो कि हार्मफुल होते हैं, हमारे घरों में हो जाते हैं, लाइक कॉकरोचेस वगैरह. तो उससे हमें अपने घर को बचा कर रखना चाहिए. एंड गार्बेज, हमें कहीं भी इधर उधर गार्बेज नहीं करना चाहिए, इधर उधर कहीं भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. हमें अपने घर को कैसे रखना चाहिए? वी मस्ट keep our home neat and clean. We can keep our homes clean by following a certain rules. कुछ rules हमें follow करने चाहिए, जैसे कि हमारा घर कैसा रहे, it should be kept neat and clean. Okay? So, on page number 26, there are some rules given to keeping up our house neat and clean. Number one is sweep and mop the floor daily. रोज हमें अपने घरों की सफाई करनी चाहिए. We should do the sweeping and mopping daily. Okay? Number two, keep the household things in proper place. जो जगह है जिस भी चीज़ की, उसको उसकी proper place पर ही रखना चाहिए. ये नहीं कि कभी भी कुछ चीज़ उठाई और उसको फिर कहीं भी फेंक दिया. We have to put the things at their proper places. Number three, dust the furniture and household goods daily. हमें अपने furniture की रोज़ dusting करनी चाहिए, उसको रोज़ साफ करना चाहिए. और जो भी हमारे हाउस होल्ड गुड्स हैं उसकी सब चीज़ों की डस्टिंग रोज डेली बेसिस पर करनी चाहिए टू कीप आर हाउस क्लीन. नंबर फोर, किचन एंड बाथरूम शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई. किचन और बाथरूम को अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए और उसको हमेशा ड्राई रखना चाहिए. ओके? किचन और बाथरूम को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए. ऑलवेज डू द क्लीनिंग ऑफ किचन एंड बाथरूम. ओके? नंबर फोर इज डिस्पोज ऑफ द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन. जो भी हमारे घर से गार्बेज निकलता है, जो भी कचरा निकलता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपर प्लेसेस पर और कवर्ड डस्टबिन के अंदर. हमेशा अपने घर के गार्बेज को वी शुड पुट द गार्बेज इन द कवर्ड डस्टबिन, क्योंकि फिर उसके ऊपर से जर्म्स इधर उधर नहीं फैलेंगे. इसीलिए उसको हमेशा कवर करके डस्टबिन के अंदर ही गार्बेज को हमें रखना चाहिए. Also keep the neighborhood and the surroundings clean. हमें आसपास की अपनी नेबरहुड
और जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है उसको भी क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक एंड पॉलीथिन बैग्स। डू नॉट यूज पॉलीथिन और प्लास्टिक बैग्स। हमें पॉलीथिन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ पेपर बैग्स। हमें किसका यूज़ करना चाहिए, हमेशा पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज लेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट एंटर इनटू द हाउस। इफ वी हैव विंडोज इन देयर इन आवर हाउस सो कीप इट ओपन, क्योंकि प्रॉपर एयर और सनलाइट भी हमारे घरों में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो लेट द फ्रेश एयर एंड सनलाइट कम इनसाइड आवर houses. Next is keep the house well ventilated and free from dampness and darkness. हमें अपने घरों में proper ventilation करना चाहिए, proper flow of passing of air करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में अंधेरा ना रहे और dampness. Dampness means slightly wet, जो हल्के हल्के सीलन जिसको बोलते हैं वो आ जाती है। अगर properly ventilated होगा हमारा house तो हमारे घर में ना तो dampness आएगी और ना ही darkness आएगी। नेक्स्ट इज गुड ड्रेनेज सिस्टम इज अ मस्ट फॉर अ गुड हाउस। हमारे घर का ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी वॉशरूम या टॉयलेट्स का सिस्टम है उसको प्रॉपर रखना चाहिए, और क्योंकि उससे हमारा घर नीट एंड क्लीन रहता है। द ड्रेन एंड वाटर स्टोरेज यूनिट शुड बी कवर्ड एंड केप्ट क्लीन। जो भी ड्रेनेज यूनिट्स हैं या फिर जो भी वाटर यूनिट्स हैं, जहाँ भी हमारे घर का पानी लाइक टैंक्स वगैरह होते हैं, उसको प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए, उसको प्रॉपर क्लीनिंग उसके करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, ऑल द फैमिली मेंबर्स शुड वर्क टुगेदर टू कीप द हाउस नीट क्लीन एंड डिजीज फ्री। सारे फैमिली मेंबर्स को मिलकर अपने घर की देखभाल करनी चाहिए टू कीप आवर हाउस नीट क्लीन एंड डिजीजेस फ्री। अगर हम अपने घर की देखभाल नहीं करेंगे, उसको नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे, तो हमारे घर में बहुत सारी डिजीजेज आ जाएंगी। ओके, और हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें अपने घर का खास ख्याल रखना चाहिए और उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए एंड डिजीज फ्री रखना चाहिए। वी कैन ऑल्सो डेकोरेट आवर हाउस विद ग्रीन प्लांट्स। हमें अपने घरों में पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड डेकोरेट आवर हाउस विद द ग्रीन प्लांट्स। सारे घरों में प्लांट्स हमारे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे फ्रेश एयर भी हमको मिलती है और हमें अच्छा फील होता है। फ्लावर्स, कर्टेंस, रंगोली, पेंटिंग्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। हम अपने घर को सजाने के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। प्लांट्स लगा सकते हैं, प्लांट्स होंगे तो उसके अंदर फ्लावर्स भी होंगे। अच्छे अच्छे कर्टेंस लगा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, पेंटिंग्स लगा सकते हैं एंड कारपेट्स वगैरह सब उसको लगा कर रख सकते हैं, जिससे हमारा घर ब्यूटीफुल भी लगे और नीट एंड क्लीन भी रहे। अ हाउस दैट इज सूटेबल टू वंस नीड इज एन आइडल हाउस। सो वी शुड गुड टेक गुड केयर ऑफ आर हाउस टू लिव कम्फर्टेबली। एक आइडियल हाउस वही होता है जिसमें सब लोगों की ज़रूरतें पूरी अच्छे से हो जाती है, इसलिए हमें अपने घरों का खास ख्याल रखना चाहिए और ताकि हम वहाँ पर कम्फर्टेबली रह सकें। सो ये थे कुछ पॉइंट जिससे कि हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। नाउ कम टू द इन नक्शल पार्ट, ऑल लिविंग थिंग नीड शेल्टर। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, everyone needs a shelter, everyone needs a place to live in. Next point is shelters are permanent and temporary, natural and man-made. जैसे कि आपको मैंने बताया, shelters are permanent और temporary. Temporary कौन से होते हैं, जो कि man-made shelters होते हैं, like कच्चा houses, and permanent houses are पक्का houses, okay? Birds and animals use natural shelters. Birds और animals कौन से shelters के use करते हैं? They use the natural shelters like caves, trees, and they make a hole in the ground to live in. Okay? Next is human beings build houses. और houses कौन build करता है? Permanent houses जो होते हैं वो कौन build करता है? They are built by the human beings. Next, our homes protect us from heat, cold, rain, animals and thieves. हमारा घर हमें किस किस चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? आर होम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर होम्स एंड कीप देम क्लीन। एंड द लास्ट पॉइंट इज वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर होम्स एंड वी मस्ट मेक इट नीट एंड क्लीन। हमें अपने घरों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, तभी हम उसके अंदर अच्छे से रह पाएंगे, डिजीजेस फ्री रह पाएंगे और वी शुड लिव हैप्पीली। ओके, सो दिस इज द चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। नाउ
Today's homework is you have to read this chapter at home. Okay, class? Thank you.